हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज हम लोग खेलते हैं एलियन शोकेस। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। और यहां पे हमारा ग्रैंड मास्टर पकड़ा, मीडियम मारो, लाइट मारो, फाइट नहीं है। इसीलिए गाइस मैंने ना, बट हमने वेनम के साथ किया ग्रैंड मास्टर का प्रॉपर सोलो हो चुका है। वन मास्टर साल नहीं है, बट तो सोलो हुआ है। बट क्या हुआ है, बट ये आगे पीछे बने तो आ चुका है आपका पार्ट टू एलियंस वॉर शोकेस का। इसमें क्या मैंने सोचा था वो भी मैं आप लोगों को समझा दूंगा। सबसे पहले मैंने रखी है फोटोन, जो कि मैंने ये सोच के रखी थी कि बेसिकली मैं अगेंस्ट फाइट करने वाला हूँ सैस्क्वैच के, किंड्रिड के और वुल्फ के विथ फोटोन। कॉस्मिक गोस्ट राइडर जो मैं लेके जा रहा हूँ वो मैं लेके जा रहा हूँ एंटमैन फ्यूचर के लिए और वेनम के लिए, ठीक है। हर्क्यूलिस जो मैं ले जा रहा हूँ वो मैं ले जा रहा हूँ मिस्टीरियो के लिए और फाइनल बॉस फोटोन के लिए। और बचा कुछ है, मैं रख रहा था पहले हल्कलिंग को, बट फिर भाई लोग मैंने सोचा यार हल्कलिंग कुछ इतना कोई मेरे काम आने नहीं वाला है इस वाली क्वेस्ट में। वैसे है वो काम का अगर आपके पास कॉस्मिक गोस्ट राइडर नहीं है तो वेनम वेनम के अगेंस्ट, बट मैं आई एम आउट ऑफ इट। तो मैंने हर्क्यूलिस को रख लिया था एंड दिस वॉज माई टीम एंड दिस टीम वॉज परफेक्ट फॉर मी, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। तो यहाँ पे मैंने फ्यूरी बूस्ट ले लिया है और मैंने हेल्थ बूस्ट ले लिया है। मैं बूस्ट लेना बहुत प्रेफर्ड यूज़ करता हूँ मैं बूस्टों को ऐसी क्वेस्ट में, क्योंकि टाइम भी है इसमें। मैं चाहता हूँ जल्दी जल्दी मेरा कंटेंट क्लियर हो और मैं आगे बढ़ूँ और ख़त्म करूँ और क्लोज कर दूँ ये कंप्लीशन। मैं सिर्फ एक्सप्लोरेशन इसीलिए कर रहा हूँ, इसमें मेरे को 5 वो लॉयल्टी वाले वो मिल जाएंगे, जिससे मेरे को 5000 सेवन स्टार शार्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं। तो सबसे पहली फाइट हुई थी अगेंस्ट दिस वेनम, वो आर्मर अप के साथ एंटर हुआ। बट गाइस दिक्कत यह नहीं है, दिक्कत यही है सिर्फ कि वो एक विलन है तो कॉस्मिक गोस्ट राइडर उसका सब मामला ख़त्म कर देता है, ठीक है। यहाँ पर बढ़िया मैंने मारी है स्पेशल 2, फिर उसके बाद में मैंने बढ़िया से आर्मर ब्रेक कर दिया था एंड लाइट कॉम्बो एंड करके मैंने लाया पावर गेन। एक पैरी हैवी लोड और स्पेशल 2 कॉस्मिक बूस्ट में लगा के आया था। और लिटरली ये फाइट लास्ट कितनी देर करी है, नॉट इवन मोर देन अ मिनट। मतलब कॉस्मिक गोस्ट राइडर इज़ अ ग्रेट चैम्पियन, और मतलब ही इज़ यार, मतलब फील आती है उसको यूज़ करते टाइम, जो चिंगारियाँ धाड़ धाड़ पूरा करता है ना। अब मैं आपको एक टिप देता हूँ उसके नर्ड के अगेंस्ट, जो शायद अभी तक आपको नहीं पता होगी। आप मेरे ऊपर देख सकते हैं सिल्वर कलर के 8 या 9 कुछ अभी आपको दिख रहा है, 11, 12, 13 जो अभी हो रहा है, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है, अभी जो 19 है, ठीक है। तो ये जैसे जैसे आप किंडर्ड को मारोगे ये आते रहते हैं, ठीक है। जैसे ही ये 50 हो जाते हैं उसके बाद में किंडर्ड का जो डीजन डैमेज, आप उसके पास भी खड़े होगे तो आप पे डीजनरेशन आएगा। बस वही प्रॉब्लम है किंडर्ड के, बाकी कुछ भी नहीं है। बाकी मेरी फोटोन 7 स्टार रैंक 3 है, तो शी इज़ एक्सट्रीमली पावरफुल एंड श्रेडिंग अवे द स्किंडर्ड, ठीक है, लाइक नथिंग। स्पेशल 1 मार दी 50 होने के बाद में, जैसे अगर आपका चैंपियन कमज़ोर है तो आप उससे दूर हटते रहिए, वो 50 वाला टाइमर जब ख़त्म हो जाएगा तो किंडर्ड की फॉर्म रीसेट हो जाती है। तो नेक्स्ट फाइट मेरी थी एंटमैन फ्यूचर के अगेंस्ट। इसके आगे मैं एक टिप देने वाला हूँ, उसके लिए मैं फुटेज भी एडिट करूँगा, जस्ट बिकॉज आई वॉन्ट टू शो भाई कहाँ पर हम गलती कर जाएंगे। अगर आप इसके आगे कॉम्बो यूज़ करते हैं जो कि होने वाला है मीडियम लाइट 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 लाइट, या फिर मीडियम लाइट 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 मीडियम मीडियम, मतलब सेम अगर एक्ट कर दिया दो बार तो आप ऐसे स्टन हो जाएंगे, चाहे रिवाइंड करके देख लीजिए आप स्टन हो जाएंगे। तो उसके लिए आप लोग कौन सा कॉम्बो यूज़ कर सकते हैं, लाइट 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 मीडियम लाइट, ठीक है, मीडियम लाइट 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 मीडियम, ऐसे, ठीक है। सेम दो एक्शन रिपीट ना करें। अब स्टार्टिंग में उसके ऊपर ये ब्लू कलर का आर्मर था, इसके टाइम पे उसे ना मारी है, मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट चीज़ बता रहा हूँ, नहीं मारी है। उसके बाद में क्या होगा, वो चांसेस होते हैं उस आर्मर से सामने वाले के अटैक ग्लेंस होने के, ठीक है। मैंने फिर से आर्मर को जाने दिया, आर्मर को जाने देना है बस और कुछ नहीं। अब जैसे वो 4 है, मेरे को पता है आर्मर है भाई, मैं आर्मर ब्रेक कर दूंगा, इसीलिए मैं कॉस्मिक गोस्ट राइडर को लाया था
ठीक है। इस पर एक चीज़ है कि अगर उस पर आर्मर है तो आपके सारे हिट्स क्लेंस होंगे, और जितने उस पर आर्मर होंगे उतना वो आपके ऊपर, आप उसे मारोगे तो आप पे ब्लीड आ जाएगा। उस ब्लीड से बचने का तरीका नहीं है भाई, ब्लीड इम्यून लेके जाओ, बहुत तगड़ा ब्लीड आएगा, बहुत ज़्यादा तगड़ा। मैग्नीटो कह सकते हैं हम, काम आ सकता है उसके अगेंस्ट, मेरी सेकेंड टिप है ये। ठीक है, यहाँ पे मैंने सोचा था कि भाई मैं कौन उस रेडल को ले जाके देख लेता हूँ, क्या पता मैं मार दूँ इस रेडल, मतलब सॉरी रेड स्किल को, पर मैं ब्लॉक पे मार दिया। एंड जहाँ पे भी आप ब्लॉक पे मार देते हो वहाँ पे खेल थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो उस चीज़ को दिमाग में रखना पड़ता है बिफोर गोइंग टू दिस फाइट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग हरक्यूलिस को लेके जा रहे हैं। अब देखते हैं हरक्यूलिस से हम लोग इसे कैसे मारते हैं। सबसे पहली चीज़ भाई, ब्लॉक पे नहीं मारना है, ये मेरे दिमाग में क्वेश्चन चलता रहता है हर टाइम। यहाँ पे अच्छा खासा मैंने इंटरसेप्ट करके अपने 6 स्ट्रेंथ वाले वो मना लिए हैं। ठीक है, नाउ इट्स 8। देखिए इस पर प्रोटेक्शन रहेगा, आपको उसे नॉकआउट करना होगा अगर आपको उसकी वो प्रोटेक्शन तोड़नी है। ठीक है, लाइक एंड जब भी आप उसे तोड़ोगे तो आपके ऊपर एक फ्यूरी आ जाएगी, आपको दिख रही होगी मेरे ऊपर है। ठीक है, अब स्पेशल वन जब भी वो मारे उसकी लास्ट अटैक्स करके आप उसे हैवी मार दीजिए, इससे बहुत आराम से उसका प्रोटेक्शन हटा सकते हैं। बट क्या है गाइस, वो मेरे ऊपर जो 5 आपको दिख रहे, जब भी मेरे ऊपर एक बफ एक्सपायर होगा तो वो अनस्टॉपेबल हो जाएगा 5 बफ के बाद। मतलब जैसे 5 तो ये रहेंगे ही रहेंगे, वो अनस्टॉपेबल होगा, आप नहीं बचा पाओगे। ठीक है, बट भैया मेरा फंडा सेम था कि मैं उसे मारूंगा जितना मार सकता हूँ। मैं सोलो के बारे में सोचता नहीं हूँ, सोलो हो जाते हैं। ठीक है, सोलो के बारे में सोचूँ, अब देखिए जैसे अगर मैं अभी स्पेशल 2 मार दूँ तो वो किसी काम के नहीं है। तो पहले मेरा है कि भैया अनस्टॉपेबल ख़त्म होगा, उसके बाद में ही अभी यहाँ पे देखिए हिमडाउस एनर्जी का बस यही काम है, मज़ा है भाई। ठीक है, यहाँ पे मैंने आराम से उसकी प्रोटेक्शन को तोड़ा, देन स्पेशल 2 मारी एंड इट्स अ KO फ्रॉम हरक्यूलिस साइड एंड इट्स अ सोलो ऑल्सो विच इज़ रियली नाइस। जो नेक्स्ट डिफेंडर है गाइस वो बहुत गंदा है, बहुत गंदा है। टाइटेनिया को आप यूज़ कर सकते हो उसके अगेंस्ट। मैं शीहल्क को लाया था, शीहल्क वॉज डूइंग परफेक्ट, बट जब वो रीजनरेट करने पे आता है तो बहुत रीजनरेट करता है, और आप शीहल्क से उसका रीजनरेशन रोक नहीं सकते, क्योंकि आप जब भी उसे नॉकआउट करेंगे ना, जब भी आप उसे नॉकआउट करेंगे वो डीबफ इम्यून हो जाएगा, और वैसे भी उस पर प्रोटेक्शन है, और वो प्रोटेक्शन जाएगी ही नॉकआउट करने से, तो आप उस पर ज़्यादा डीबफ्स रख नहीं पाओगे स्टार्टिंग में। ठीक है, और शील का जो स्लो डीबफ है वो भी काम आने नहीं वाला है उसके अनस्टॉपेबल को काउंटर करने के लिए, क्योंकि वो डीबफ इम्यून हो जाता है। तो आप नॉर्मल देखिए मैं उसके ऊपर डीबफ्स डाल रहा हूँ तो वो भी कन्वर्ट कहीं कहीं पर कभी कभार स्लो हो जाता है। एक जो फोटोन के साथ अच्छी चीज़ है कि अगर फोटोन को सामने वाला एलेंस शोकेस में, जैसे आपको पता है हैवी भी वो कर लेते हैं ब्लॉक, तो कभी कभार क्या होता है परफेक्ट पैरी करते हैं लोग, तो परफेक्ट पैरी अगर मुझे कर भी लेते हैं और मैं स्टन हो जाता हूँ फोटोन से, तो फोटोन के साथ में एक मुझे रिलैक्सेशन मिलता है कि वो मिस करा देती है अटैक्स को अगर एक बार स्टन हो जाती है 2.5 सेकेंड के लिए। ठीक है, और 8-8 सेकेंड में वो रिफ्रेश भी होता है। तो फोटोन के साथ में बड़ा लीथली तरीके से हम लोग इसे खेल गए, देख सकते हो आप लोग, दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग, और मैंने अच्छा खासा उसे काम कर दिया उसका ऑलमोस्ट। ओ भैया आराम से, सेबरतूत क्यों बोलता हूँ मैं सास्क्वैच को, पता नहीं यार दोनों एक ही शक्ल के, बाद ऐसा लगता है इंजेक्शन लगा दिया बॉडी बनाने वाला। ठीक है, फिर से लाइट फॉर्म में जाने की तैयारी। फोटोन इस क्वेस्ट के लिए गाइस बहुत अच्छी है, इस नोट के लिए तो बहुत ज़्यादा। ठीक है भैया, सीधा सीन हैवी मारो स्पेशल 1। मेरा सीधा सीन था भाई मैं सोलो करूँगा, बट क्या है वो अनस्टॉपेबल हो जाता है बीच बीच में, तो वहाँ पे गड़बड़ आ जाती है। अब यहाँ पे मैंने प्रोटेक्शन हटाई है, स्पेशल 2 मारेगा क्या बबुए, मार दे भाई। अब यहाँ पे सीधा सीन है भाई कि इसको मार दिया जाए, और क्या मैंने मार पाया था सोलो मेरे को याद नहीं है, याद देखो उसने कुछ ना कुछ हगा था मैंने। हिमडाल सिनर्जी वो अनस्टॉपेबल हो गया, तो वहाँ पे ही थोड़ा सा खेल गड़बड़ हो गया, वरना सिंपल था। ठीक है, लो भैया रिवाइव और चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा शायद एक और रिवाइव था, बट मैंने क्या है मेरे को समझाना था बस, तो मैंने उसको कट कर दिया। हैवी तो आपको मारना पड़ेगा स्टार्टिंग में,
डिबफ इम्यूनिटी पे खेलना होगा, चाहे आपके चार्जेस बने या ना बने। फोटोन के दे ही पत्ते हैं, क्योंकि फोटोन सामने वाले पे जितने डिबफ डालती है उतना ज़्यादा उसके वो बनते हैं। तो बहुत सिंपल है यार, इतना तो खेलो गई भाई, हर फाइट सोलो ही थोड़ी हो जाएगी इतने बड़े बड़े प्लेयरों से लड़ रहे हैं भाई। और ना मेरे पास टाइटेनिया है, टाइटेनिया बहुत अच्छे है यार, मतलब अगर 7 स्टार रैंक 3 टाइटेनिया है तो वेरी गुड। और फोटोन भी वेरी गुड ही है यार, मतलब आई वॉज फाइटिंग एंड रिलैक्सड हूँ मैं। मैंने अपने दूसरे वाले अकाउंट में शील्ड से जैसे किया था तो मोर देन बहुत रिवाइव लग गए थे यार, ऑलमोस्ट 8 रिवाइव्स ऑन दिस सास्क्वेच। ओ हाँ, सास्क्वेच उड़नी, क्योंकि रिजेनरेट बहुत कर रहा था, जितना मार रहा था सब रिजेनरेट कर ले रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 25 चार्जर रेडी हैं सीधे, भैया जितना मारूँगा मारूँगा आज इसे, यही सोच के खेला था। देखो चिल्ला रहा है, भेड़िया इसको तो सोलो करूँगा, झापड़ मारूँगा इसे। शी इज डूइंग रियली नाइस, ठीक है, अच्छा खासा डैमेज है फोटोन का एंड क्रेजी है यार। मैं तो भाई हेमडाल के सिनर्जी के साथ हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा रिलैक्स रहता हूँ कि भाई मैं मरूँगा नहीं एंड में जाके। और मैं ये कहूँगा हेमडाल सिनर्जी इज वन ऑफ द बेस्ट सिनर्जीज, आपको उसे यूज़ करना ही चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट फाइट मेरी थी अगेंस्ट दिस मिस्टीरियो, और क्या ही बोलूँ यार, मैं पहले उसके साथ चला गया था शायद, देखता हूँ फोटोन के साथ, हाँ बट मैं भूल गया था कि मैं उसके हिट्स को टेक्स नहीं कर सकता वरना वो अनस्टॉपेबल हो जाएगा। ठीक है, बट आप लोगों ने देखा होगा फोटोन ने डैमेज कितना अच्छा किया, मैं मरा इसलिए क्योंकि स्टन रिफ्लेक्शन है मिस्टीरियो पे। मेरी पहले वाले पार्ट में आपको मैंने समझाया नोट्स के बारे में। ठीक है, चलते हैं। हरकेलेस से जा रहे हैं यार, मैं तो बस सीधे बता रहा हूँ, हरकेलेस के साथ में एंड जब फेज आए भाई मारते रहो बस, मारने का खेल हो जाता है फिर। ठीक है, आ जाओ भैया जल्दी, स्पेशल टुको छोड़ देती हूँ। हाँ ओ भाई, स्पेशल वन नहीं बनाई थी मैंने, काफी आराम से स्टन रिफ्लेक्शन है और हरकेलेस है तो स्टन की जो दिक्कत है उससे बच जाते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे मारा मैंने इस वाले मिस्टीरियो को बहुत बढ़िया तरीके से मारा भाई, पेल दिया पकड़ के। एंड द नेक्स्ट फाइट इज गोइंग टू बी अगेंस्ट दिस फोटोन, एंड फोटोन के साथ कुछ इतना नहीं है, रिवाइव्स तो लगेंगे बट हरकेलेस कर देगा। हरकेलेस बेस्ट फाइट है भाई, बिल्कुल हरकेलेस बेस्ट फाइट है, आराम से हो जाइए। मेरा वही बेसिक प्लान था यार कि बस स्पेशल वन मार दूं, उसके मिस को काउंटर करा दूं, उससे स्पेशल टू मरवाऊं, क्योंकि इसकी स्पेशल टू जल्दी ख़त्म हो जाती है इन कंपैरिजन टू स्पेशल वन। ठीक है, चलते हैं, गलतियां करेंगी मैंने ज़रूर। देखिए हेमडॉल सिनर्जी से फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई थी थोड़ी सी डैमेज ज़्यादा करने की। ओ भाई आ जाओ इधर आओ, तो हाँ तुम्हारी ऐसी जैसे करूँ, आ जाओ भैया। देखो डेक्स पे ही सारा खेल है मेरा, वो इंटरसेप्ट पे या पेल के डैमेज करूँगा, पेल के डैमेज ऐसे फेज में तो आगे मेरे पास ये रहता है डैमेज पे डैमेज करे रहो दांत थोके रहो, बस ये कहो भगवान की दुआ से हम बच गए, हमारे उसने स्पेशल 3 नहीं मारी थी जितना मुझे याद है, वरना अपना रिवाइव एक और लगता। बट ये बहुत आराम से हो गई थी फोटोन भी और कोई दिक्कत नहीं आई थी। सो आई होप गाइज आपको मज़ा आया उस वाली वीडियो में, गिव इट अ थंब, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड लव यू गाइज, टेक केयर, ऐसे ऑसम गेम प्लेस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।